सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। हमने अभी ये चार टिकट ले लिए हैं, ये कुछ क्रेडिट कार्ड टाइप की टिकटें हैं और इससे ही आपका रूम में आपका लॉक खुलेगा और बाकी सब शॉपिंग वॉपिंग जो भी है वो इन्हीं कार्ड से होंगी। चारों के अलग अलग कार्ड बना के दिए इन्होंने। हमारा है डेक नंबर 7 पे रूम है, ओशियन रूम है हमारा। और जो यहाँ पे प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है उसमें। जस्ट हम बोर्डिंग करते हैं जैसे हम अपना प्लेन में करते हैं उस तरह का ही होता है, और आपका लगेज चेक होता है। लगेज आपका यहाँ से कलेक्ट होकर अंदर जाएगा, अभी वो गाड़ी आने वाली है। तो उससे पहले हमें एक ज़रूरी काम करना है, हमें अपना लक्षद्वीप का शोर एक्सकर्जन का टूर जो है वो बुक करना है। वो बता रहे हैं डेक नंबर 5 से होगा। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन वो 72 आवर्स पहले बंद हो जाता है। तो अभी हम अपने शिप में जाते हैं। देखिए आपके सामने है ये इंटरनेशनल लेवल का इंडियाज बेस्ट क्रूज विच इज़ कॉर्डेलिया। सो गाइस शुरू से शुरू करते हैं, कॉर्डेला क्रूज़ को कैसे बुक करें। कॉर्डेला क्रूज़ को बुक करने के कई तरीके हैं, आप इसको इनकी वेबसाइट पे जाके भी बुक कर सकते हैं, आप इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके वहाँ से भी अपने टूर को बुक कर सकते हैं, और आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। आई विल प्रेफर कि आप इनकी वेबसाइट से जाके करें। टूर आपको ये कई तरह के बताएंगे और इनके हर महीने में अलग अलग टूर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज अगर लक्षद्वीप जाना है तो आपको आज लक्षद्वीप का टूर मिल जाएगा, वो इनका एक स्केड्यूल होता है किस महीने में ये किस जगह पर जा रहे हैं। तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं 2-3 महीने पहले ही बुकिंग कर लीजिए, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे आपको आपका मनचाहा कैबिन नहीं मिलता है और मनचाही डेट्स में अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। तो ये है हमारी तरफ से एक टिप कि आप इसको एडवांस में करें। और इसमें तरह तरह के प्लान्स होते हैं, जैसे 2 nights, 3 nights, 4 nights, 5 nights। 2 night का जो प्लान है वो मुंबई से जाता है गोवा, गोवा में एक्सकर्जन होता है, फिर मुंबई वापस आता है। ऐसा ही एक मुंबई से गोवा वाला होता है और मुंबई टू मुंबई वाला होता है। 3 nights का जो प्लान होता है उसमें एक कोची से चलता है लक्षद्वीप और फिर आता है मुंबई, जो हमने किया था। इसमें एक और प्लान होता है जो गोवा से चलता है, लक्षद्वीप में एक्सकर्जन होता है, मुंबई में वापसी होती है। और एक और प्लान होता है जिसमें मुंबई से चलता है, गोवा में एक्सकर्जन होता है, मुंबई वापस होता है। तो ये सब प्राइसेस भी हमने इसके सामने दिए हुए हैं। ये प्राइसेस विदाउट किड्स और विदाउट टैक्सेस हैं, तो आप उसमें थोड़ा एक इजाफा और कंसीडर करना। 4 night के भी प्लान होते हैं, 5 night के भी प्लान्स होते हैं। 4 night में आपकी डेस्टिनेशन जो है मुंबई से लक्षद्वीप और फिर लक्षद्वीप से मुंबई होती है, और 5 nights वाले में आपकी डेस्टिनेशन 2 हो जाती है, जिसमें आप गोवा और लक्षद्वीप जो जगह जाता है चलता है मुंबई से और वापस भी मुंबई में आता है। तो जैसे जैसे नाइट्स बढ़ती जाती हैं आपके प्राइस बढ़ते जाते हैं। ये आपके हमारा जो रूम है ये वो है, इसमें स्टार्टिंग होती है इंटीरियर टाइप रूम से। ये वाला जो हमारा रूम था ये था ओशियन व्यू टाइप। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो, क्योंकि इसमें एक विंडो होती है जिससे आपको ओशियन का नज़ारा देखने को मिलता है। ये इसके वॉशरूम हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जेट भी आपको नज़र आ रहा होगा। हमें आने से पहले ये था कि इसमें जेट नहीं है तो हम मैनुअल जेट लेके आए थे, पर इसमें जेट अवेलेबल था। ये आपका शावर एरिया है जो कि कंपैरेटिविटी आपके घर के हिसाब से छोटा है, लेकिन आप इसमें चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन थे। साथ में आपको ये कबर्ड्स मिलते हैं जिसमें कि आपको एक लैडर मिलता है बंकर बेड पे चढ़ने के लिए, और सेफ्टी जैकेट्स मिलती हैं। साथ में आपको एक सेफ्टी लॉकर भी मिलता है पासवर्ड के साथ, और बाकी कपड़े रखने के लिए स्पेस मिलता है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया है जिसमें कि काफ़ी ड्रॉर्स हैं, और ये आपको पीने का पानी काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में मिलता है। 12 bottles हमें मिली थी 3 members के हिसाब से। ये हमारे बेड्स हैं, इन बेड्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इनको हिलाने डुलाने में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। आप इनको साथ में ज्वाइन भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, और एक साथ भी कर सकते हैं। कॉर्डेला क्रूज़ में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, काफ़ी शोज़ होते हैं, बच्चों के लिए अलग एकेडमी होती है, तो वो सब का प्लान ये जो मैडम के हाथ में एक पेपर है इसमें लिखा होता है, ये आपको एक दिन पहले मिल जाता है जिससे आप अपने उस इवेंट को मिस नहीं करते। ये वो बंकर बेड है जिसकी मैं बात कर रहा था, एक लेफ्ट में एक राइट में है। ये बंकर बेड्स आपको सिर्फ इंटीरियर टाइप और ओशन व्यू टाइप रूम में ही मिलते हैं। और ये वो खिड़की है जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारा अनफॉर्चुनेटली ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू टाइप एक विंडो है। ये हमें इसलिए मिली थी क्योंकि बाकी सब रूम्स बुक हो चुके थे, तो आप इसका ध्यान रखना, ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू वाला आपको रूम नहीं लेना है। हाँ जी मैडम, कैसा लगा रूम आपको? इतना छोटा नहीं है, सर्वाइवेबल मज़ा आ गया। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट लंच ओवर होने वाला है। लंच करने के तुरंत बाद हम लोग पहुँचे डेक नंबर 5 पे, और अपने कार्ड में हमने पैसे डलवाए जिससे हमें बुक करना था शोर एक्सकर्जन।
ये शोर एक्सकर्जन लक्षद्वीप में टूर करने के लिए होता है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं और उसके हिसाब से इसके पैसे अलग अलग होते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, पर 72 घंटे पहले ये ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाता है। इसको बुक करने के बाद हम लोग सीधा पहुंचे ऑडिटोरियम में और वहां पे हमने एंजॉय किया साउथ इंडियन डांस शो। लाइव शो का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था गाइस। उसके बाद बच्चे लोग आ गए स्विमिंग करने के लिए, यहाँ पे स्विमिंग पूल था और जकूजी था, साथ में ओपन डेक में कई सारे ऑप्शंस थे, लाइक यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ से हमने वर्ल्ड कप के मैच का भी एंजॉय किया। उसके नीचे बार भी था जो कि पेड था, आप उसको अपने कार्ड से स्वैप करके ड्रिंक्स का एंजॉय कर सकते हैं। इन सब के बाद हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। डिनर के यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक स्टारलाइट रेस्टोरेंट है और एक फूड कोर्ट है। इसमें जैन फूड, नॉन वेज फूड और वेज फूड तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। खाने की यहाँ पे पूरी मौज रहती है, आपको हर वक्त खाना मिलता है, इवन आपको लेट नाइट स्नैक्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो खाने की तरफ से आपको अच्छी क्वालिटी का फूड और 5 से 6 बार आपको मिल जाता है। लाइव म्यूज़िक को एंजॉय करने के बाद हमने सेलिब्रेट किया ज्योति का बर्थडे। जी हाँ, यही वो रीज़न था जिसकी वजह से हमने इतनी जल्दीबाजी में ये प्लान किया। आप लोग चाहें तो कुछ बर्थडे पे अगर आप सरप्राइज़ प्लान करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस होते हैं क्वाडिले में, पर वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसलिए हमने खुद से ही प्रिपरेशन करके आए थे और हमने खुद से ही ये सब अरेंजमेंट यहाँ पे किया। ये ओपन डेक डेक नंबर 10 है जहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यहाँ पे रात को डीजे नाइट होती थी और सुबह के टाइम यहाँ पे योगा सेशन और जुम्बा सेशंस भी होते हैं। स्विमिंग पूल भी इसी डेक पर है और फूड कोर्ट भी इसी डेक पर है। बच्चों की एकेडमी जहाँ पे आप बच्चों को 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं वो भी इस फ्लोर पे है, और उसी के पीछे यहाँ पे बार भी है, और डेक नंबर 10 के ऊपर डेक नंबर 11 है जहाँ पे जिम है। जी क्या हो रहा है? Having breakfast. क्या ले रहे हो ब्रेकफास्ट में? साउथ इंडियन है। अच्छा है ब्रेकफास्ट, काफी वैरायटी है। ये क्यों लगी हुई है शोर एक्सकर्शन में जाने के लिए और शिप से बाहर निकलने के लिए? 1, 2 और 3 टाइप के कैटेगरीज है एक्सकर्शन की। हम लोगों का था नंबर 1। मिला नंबर 1। अनी चल कोई नहीं, चीज किसी हीरो नंबर 1। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए लक्षद्वीप के शोर एक्सकर्जन में, यानी कि लक्षद्वीप घूमने। बेसिकली हमने कोई भी एक्टिविटी यानी स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, ये सब नहीं रखा था। लोगों ने वो भी प्लान किया था डिसाइड, बट हमने नहीं लिया क्योंकि ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। हमें सिर्फ आइलैंड एक्सप्लोर करना था। यहाँ पर ये लोग बोट के थ्रू लेके आते हैं और उसके बाद इन्हीं की टैक्सी होती है और ये लोग आइलैंड तक लेके जाते हैं। जाते वेलकम ड्रिंक से हमारा स्वागत हुआ और यहाँ पे ये ट्रेडिशनल डांस हो रहा था जिसको हमने भी साथ में एंजॉय किया।
सेंटर में तो हम लोग आ गए हैं अकादमी बीच। अवाती आइलैंड बेसिकली लक्षद्वीप का एक आइलैंड है और यहाँ पे जो भी ये हम जिस जगह पे रुके थे ये सब कोडेला वालों के लिए स्पेशली बुक था। यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए थे और ये लोग वन टू थ्री करके इन्होंने सबको कैटेगरी की हुई थी एक्सकर्जन के टाइप्स के हिसाब से, उसी हिसाब से लोगों को लेके जा रहे थे और वो एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से 4 से 5 घंटे गुजारे और फिर से वापसी में इनकी ही दी गई टैक्सी से हम लोग वापस चले गए अपने बोट वाले पॉइंट पे, जहाँ से ये लोग हमें वापस अपने शिप में ले जाने वाले थे। रात को कनेक्शन हॉल में बच्चों की पजामा पार्टी थी तो वहाँ पे अनवी और अन्या दोनों गए और उन्होंने काफ़ी फन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। इसके बाद रात को टाइम हो गया था मैजिक शो का। मैजिक शो करना था तेजस को। तेजस काफ़ी फेमस मैजिशियन है जो कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में भी मैजिक शो किया करते थे। अमित, ओपन योर आईज। यस और नो, डिड यू फील समथिंग? यस। कोडेला क्रूज में काफ़ी कुछ है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे आपका एंट्री करने से पहले एक फ़ोटो सेशन होता है जो कि बाद में आपको ये फ़ोटोज़ डिस्प्ले में दिखाई जाती हैं। ये फ़ोटो पेड होती हैं, आप कुछ पैसा दे के इनको खरीद सकते हैं, जो कि पैसा नॉमिनल तो नहीं लगा हमें इसलिए हमने नहीं लिया। ये आपका डेक वाइज प्लान है कि किस डेक पे आपको क्या चीज़ मिलती है। जैसे कि आपके यहाँ पर टेबल टेनिस की टेबल है, लाइब्रेरी एरिया है, एक इंटरनेट कैफ़े एरिया है जहाँ पर आप अपना लैपटॉप लेके काम कर सकते हैं, कार्ड एरिया है जहाँ पे आप प्लेइंग कार्ड्स खेल सकते हैं, कैसीनो है, कैसीनो हालांकि पेड है। कैसीनो के अलावा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है चॉपस्टिक्स, अगर आप चाइनीज़ खाना चाहते हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, हालांकि ये फ्री नहीं है, ये पेड रेस्टोरेंट है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जिम का ऑप्शन भी है अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं। तो ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजेक्शन के लिए आपको वही कार्ड यूज़ करना पड़ेगा जो कि कार्ड आपको स्टार्टिंग में दिया गया था उसमें जिसमें आपने पैसे डलवाए थे। यहाँ पे शॉपिंग का भी ऑप्शन है, अगर आप यूनिवर्सल अडेप्टर साथ में नहीं लेके आए हैं तो आप यूनिवर्सल अडेप्टर यहाँ से ले सकते हैं और साथ में आप कुछ और शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा दिन था लास्ट और लास्ट दिन की शुरुआत हमने करी बल्ले बल्ले शो से। बल्ले बल्ले शो एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है और जिसमें 2 घंटे की एक लाइव मूवी चलाई जाती है। लास्ट डे टूर के हमने काफ़ी फ़ोटोशूट किया और अनवी ने और ज्योति ने रॉक क्लाइंबिंग करी जो कि चार्जेबल थी। रॉक क्लाइंबिंग के बाद हम लोग गए रात को यहाँ के नाइट क्लब में और वहाँ पर भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। सो गाइज, यहाँ पे हमारा टूर हो गया खत्म। टूर खत्म होने से पहले मैं आपको जल्दी से कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। टिप नंबर 1, यूनिवर्सल अडेप्टर जरूर लेके आना क्योंकि यहाँ पे इंडियन सॉकेट्स नहीं है। टिप नंबर 2, आप अपना मैनुअल जेट लेके आना क्योंकि वॉशरूम्स में जेट सब में नहीं है। टिप नंबर 3, आप चाहें तो एक्सकर्जन को स्किप कर सकते हैं और 3 नाइट्स का या 4 नाइट्स का टूर आपके लिए सफिशेंट है। ज़्यादा एडवेंचर्स और ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको महंगा भी पड़ेगा और वो वर्थ भी नहीं है।
टिप नंबर 4, लक्षद्वीप एक्सकर्जन को ही चुने, लक्षद्वीप के टूर को ही चुने। बाकी गोवा कोची को आप सेपरेटली एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप इसके थ्रू उसको एक्सप्लोर नहीं करते। नंबर लास्ट टिप, लक्षद्वीप एक्सकर्जन के लिए आप कुछ कैश लेकर चलें, क्योंकि वहाँ पर पेटीएम और कोई भी ट्रांजेक्शन किसी कार्ड की नहीं होती। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, आपको बताऊंगा कि ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि कॉर्डेला क्रूज आप जरूर करें, वंस इन ए लाइफ टाइम वाली चीज़ है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, मैंने काफ़ी कोशिश ढूंढ करी इसमें कुछ कमी निकालने ढूंढने की, पर मुझे यहाँ पर कोई कमी नज़र नहीं आई। शोज़ वगैरह सब एक्सेलेंट हैं, ए लेवल के हैं, और हर चीज़ इंटीरियर हो, क्लीनलीनेस हो, या फिर लोगों का बिहेवियर हो, सब कुछ लाजवाब है, आप काफ़ी मज़ा करने वाले हैं। तो गाइज़, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। हमारे इस वीडियो की श्रृंखला में एक वीडियो और बचा हुआ है मुंबई का, जहाँ पर हमने इस शिप को छोड़ा था। तो उस वीडियो के साथ आप भी इस श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए घूमी घूमी चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।